पापा, स्कूल जा रहा हूं। हाँ तो जाना, चीख क्यों रहा है? ओए लक्षी, एक बात बता यार। हाँ बोलना। मैं तुझे रोज़ घर से लेता हूँ स्कूल के लिए, और फिर रोज़ स्कूल से तुझे घर भी छोड़ता हूँ। तो ऐसा कर ना, मुझे अपना बॉयफ्रेंड ही बना ले। कम से कम मन में ऐसा फील तो नहीं आएगा कि मैं तेरा ड्राइवर हूँ। हट ना, तू शक्ल देखी है अपनी, तू और बॉयफ्रेंड, याक। अच्छा बेटा, रुक तू। ओए क्या कर रहा है, धीरे चलाना, अभी तो मेरी सेटिंग भी नहीं हुई है किसी से। हटो रे आगे से। अब उतर भी, अब यहाँ भी गोदी में उठा के उतारू तुझे। अबे हटना। अबे आज इतना लेट कैसे हो गया? इस मैडम से पूछो, वो तो शक्ल नहीं दिख रही तुम्हें इसकी, कितना मेकअप थोपा हुआ है। खुद ही सोच लो कितने घंटे लगाए होंगे इसने तैयार होने में। तो तू क्या चाहता है, तू जैसे बिना नहाए आता है, मैं भी वैसे ही उठ के आ जाऊं? अबे अब क्लास में चलोगे कि यहीं लड़ते रहोगे? अबे चले जाना उसके साथ बैठ। ये साला कमीना आकाश जानबूझकर बैठा है उसके साथ, मजे ले रहा है मुझसे। अरे रुक, मैं उससे मजे लेता हूँ, देख उसे पीछे बुलाता हूँ। आकाश, हाँ बोल। ओ इधर आ जल्दी, तुझे एक बात बतानी है। बस बस, तू मेरा सीमत बना, मुझे पता तू पीछे क्यों बुला रहा है। आ जा भाई मानव, अपनी जगह आ जा। तू यहाँ किस लिए आ गया मेरे पीछे पीछे? शक्ल देखी तूने अपनी, मैं और तेरे पीछे, भूल जा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, तो चलो कौन बताएगा कि सैनहॉक की कैपिटल कौन सी है? मैडम बूट कैंप। सही पकड़े हैं। चल मानव, खा के आए कुछ। पागल है, मैं तो घर से लाया हूँ। तुम में से कोई चल रहा है कैंटीन? मैं तो घर से लाया हूँ। मैं भी लाई हूँ। भाई तू सारी जिंदगी ना उससे लड़ते ही रही हो, कभी उसको अपने दिल की बात बस बताइयो, है ना? अबे भाई मैं नहीं बोल सकता, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, अगर बाय चांस उसके मन में ना हुआ ऐसा कुछ तो। अरे तू ऐसा सोचता क्यों है कि उसके मन में कुछ नहीं है? पॉजिटिव सोच ना। यार सोचने से होगा क्या? सोचने थोड़ी ना सब काम हो जाते हैं। तो भाई काम होने के लिए बोलना भी तो पड़ेगा ना, बिना बोले तो काम नहीं होता ना। अरे रिसेस खत्म होने वाली है मेरे भाई, तुम छोड़ो ये सब बातें और जाके खाना खा लो। चल हट मेरी जगह से। लक्ष्य कल टाइम से आ जाइए यार, मुझे बेचारी अकेली से बहुत पंगे लेते हैं। की तो ऐसी की तैसी। चल तो चिंता मत कर, आ जाऊंगी। हाँ एक काम करियो ना लक्ष्मी, तू मेकअप रात को ही करके सो जाइयो ताकि सुबह हम जल्दी आ सकें। बताओ तुझे। चल चलो बाय गाइस। वही लक्ष्मी, तू बुरा तो नहीं मानती ना मेरी बातों का? अरे तू पागल है, तेरी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? हाँ अगर तेरे अलावा मुझसे कोई ऐसा मजाक करेगा ना, जिंदा गाड़ दूंगी उसे। अबे जिंदा काटने से पहले भी मेकअप करेगी क्या? अबे चल ना तू, चल भाई, कल टाइम से आ जाना ड्राइवर। ओके मैम साहब। पापा जा रहा हूँ स्कूल। वाह यार आज तो टाइम से तैयार हो गई तू। मैं तो रोज ही टाइम से आ जाती हूँ, तू ही लेट आता है। हाँ सही है भाई, सारी गलती मेरी ही है। अच्छा ना मजाक कर रही थी। चल उतर। देखा आशी, आ गए ना मैं जल्दी। हाँ यार थैंक्स। चलो क्लास में। हटना, मैं बैठूंगी यहाँ। अरे आ जाना तू ही, बैठ जा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरेंगल की पॉलिटिकल साइंस। आकाश तुम ये बताओ कि 2018 में एरेंगल पे किसका राज था? मैडम 2018 में तो हाइड्रो डायनेमो का राज था। अरे वाह गुड आंसर। अच्छा लक्ष्य तुम बताओ 2019 में किसका राज है एरेंगल पे? मैडम आई एम डी क्रेजी। क्या तुम क्रेजी हो? गलत जवाब।
तुम बताओ। मैडम मॉडल का। हाँ बिल्कुल सही जवाब, नाइस। चल आज तो चल ले कैंटीन। ना भाई तू ही खा बाहर का, मैं तो घर से लाया हूँ। अरे लक्ष्मी मैं नहीं लाया आज लंच, मैं चल रहा हूँ कैंटीन। तो भाई कुछ सोचा बोलना है उसे? अरे नहीं यार, मैंने सोचा तो था पर मुझे वही डर है कि मैं अगर उसे बोल दूं और उसने मना कर दिया तो हमारी तो दोस्ती भी खराब हो जाएगी यार। अरे यार तो रहने दे, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी देखते हैं वो लाइक करती है या नहीं, तो उसको एक बार बोल तो सही। अरे लक्ष्मी कहाँ जा रही है? अरे मोहित हाय, कैसे हो? मैं तो बढ़िया, तू बता। अरे मैं भी मस्त। कहाँ जा रही है? कुछ नहीं यार, लंच नहीं लाई थी तो कैंटीन जा रही। चल लक्ष्मी तुम बातें करो, मैं आया अभी। अच्छा मोहित, कल रात कहाँ गायब हो गया था, व्हाट्सएप पे बातें करते करते? अरे सॉरी यार, तेरे से बात करते करते कब आग लग गई पता नहीं चला। अच्छा मतलब मेरे साथ बात करने में नींद आ जाती है तुमको, इतनी बोरिंग हूँ क्या मैं? अरे क्या बात करती यार तू, और बोरिंग मतलब तुझसे बात करने में किसी को कैसे नींद आ सकती है? अच्छा जी, ऐसा क्या है मुझ में? छोड़ तू खाना खा ले जाके, अगर तेरी तारीफ करने बैठा तो यही छुट्टी हो जाएगी। अरे तू अकेला, लक्ष्मी कहाँ पे है? अरे भाई वो है ना 12th क्लास का लड़का मोहित, वो मिल गया रास्ते में, तो फिर वो दोनों ऐसे बात करने लगे साथ में, तो मैं आ गया वहां से। अब ना तो सोचते रहे बस अब, और वो मोहित उसे पटा के निकल लेगा। अरे पागल हो क्या, वो तो वैसे ही बात कर रहे होंगे यार। अरे चुप चुप, वो लक्ष्मी आ गई। क्या हुआ, क्या बात चली थी मेरे पीछे पीछे? अरे कुछ नहीं, वो आकाश अपनी बात बता रहा था कुछ। चल लक्ष्मी। अरे सुन लक्ष्मी। सुन मानव, तू चल मैं आई। भाई तेरा पता तो कटने वाला है, तू सोचते ही रह गया। यार देख एक लड़की कितना वेट करेगी, ये भाई साहब जी तो फट्टू है, उसे कुछ बोलेंगे नहीं तो वो बेचारी कब तक इंतजार करेगी? यार मैं ऐसे कैसे बोल दूं दोस्ती में उसे। तू कैसे जाएगी घर, मैं छोड़ देता हूँ, आजा। अरे नहीं नहीं, मेरे क्लास का लड़का मुझे बाइक पे छोड़ देता है। चल मोहित कल मिलते हैं, कल आ रहा है ना तू? हाँ हाँ मैं तो आऊंगा ही। भाई अभी भी टाइम है, सोच ले, कल को पछताना मत कि काश मैं बोल देता। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ कैसे यार, तुम्हारी इतनी अच्छी बातचीत है, कुछ नहीं होगा तो बोल दे। चल ठीक है, कल पक्का बोल दूंगा छुट्टी के बाद इसे। ये हुई ना बात। सॉरी सॉरी, वो दोस्त मिल गया था तो थोड़ी सी लेट हो गई। कोई बात नहीं, चल आजा चलें। चलो भाइयों कल मिलते हैं, बाय। अरे लक्ष्मी एक बात बताओ, वो 12th क्लास वाला मोहित था ना, तू उसे कैसे जानती है? अरे हाँ वो मोहित था, हमारी अभी बातचीत हुई है कुछ दिन पहले ही। वैसे तू क्यों पूछ रहा है उसके बारे, तुझे जेलसी क्यों हो रही है? अरे ना ना, मैंने तो पहली बार देखा ना उसे तेरे से बात करते हुए, तो वैसे ही पूछ लिया। चल बाय। पापा जा रहा हूँ स्कूल। ओके बाइक धीरे चलाया कर। कितनी मोटी हो गई तू, बाइक ही नहीं चल रही तुझे बिठा के? तो मैं मोटी, दिमाग खराब है क्या तेरा? तो और क्या, घर से लंच लाती तो है नहीं तू, जब देखो कैंटीन से कभी बर्गर कभी समोसे तो मोटी होगी ना। ओए आज ना लंच लाई हूँ मैं तो, तू फालतू में मत बोल। चल उतर, मैं आया बाइक लगा के। ओए मानव आज याद है ना छुट्टी के बाद के सीन? अरे हाँ हाँ याद है, तुम क्लास चलो अभी। ओए एक बात बता, क्या बातें करने की बात हो रही थी बाहर? अरे कुछ नहीं, वो तो उसे कुछ काम था छुट्टी के बाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चल मानव मैं एक मिनट में आई कैंटीन से होके। अरे सुबह तो तू बोल रही थी कि तू लंच लाई है घर से। अरे हाँ लाई तो हूँ, पर एक सेकेंड कुछ काम याद आ गया है तो एक मिनट में आई। अरे सुन लक्ष्मी मैं आज लंच नहीं लाई, तो मैं साथ चलती हूँ, तू काम कर लेना, मैं कैंटीन हो आऊंगी। अच्छा चल। भाई आज पक्का है ना, बोल देगा ना? हाँ यार मैंने भी बहुत सोचा, अगर वो भी मुझे लाइक करती होगी तो कब तक मेरे बोलने का वेट करेगी बेचारी। हेलो मोहित। हे मैं तेरा ही वेट कर रहा था। हाँ
हाँ मुझे पता था, तभी तो मैं आई। आशी ऐसा कर, तू जाकर अपना काम कर ले, मैं अभी आई 2 मिनट में बात करके। भाई देखा आज कुछ भी हो तो बोल देना, क्योंकि मोहित का बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे आशी, लक्ष्मी कहाँ रह गई? तू एक बात जानता है क्या? मैं ना घर से लंच लाई थी, पता है। तो फिर तू क्यों गई बाहर खाने? जब तूने ये कहा ना उसे कि तू तो आज लंच लाई है घर से, फिर क्यों बाहर जा रही है, तो मैं तभी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। मतलब ये कि लक्ष्मी मैडम उस मोहित से ही मिलने गई है। अरे यार शिट। ये शिट शुट छोड़ और उसे आज के आज ही बोल दे, और ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, नहीं तो निकल जाएगी वो। हाँ यार अब तो जो होगा देखा जाएगा, आज बोल दूंगा पक्का। अरे सुन लक्ष्मी, मुझे आज छुट्टी के बाद मिलना, कुछ बात करनी है। चल ठीक है, मुझे भी लंच करना है, चल बाय। अरे अरे सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। तुम सबने लंच कर लिया? हाँ हो गया हम सबका तो। चलो गाइस चलते हैं। चल लक्ष्मी मैं बाहर खड़ा हूँ, तू आ जाना बात करके। भाई देख कितना ज्यादा हो रहा है इनका। हाँ यार अब तो मुझे भी दिख रहा है ये सब। अभी आते ही उसको बोल देना तू। देख यार कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं दोनों। अरे सुन लक्ष्मी, मुझे कुछ बोलना है तुझे। हाँ बोलो आप। यार देख लक्ष्मी, तू और मैं रोज मिलते हैं स्कूल में, इवन हमारी क्लासेस भी सेम नहीं है फिर भी, और यहाँ तक कि घर जाके भी गुड नाइट तक तेरी मेरी बात होती रहती है ऑनलाइन। तो तुझे नहीं लगता कि शायद हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? देख यार मैं तेरा तो नहीं बता सकता, बट हाँ अपना जरूर बोल सकता हूँ कि मैं तुझे लाइक करता हूँ। यार मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें। हाँ ये बात सही है, पर मतलब मुझे नहीं पता था। भाई देख मैं इस बंदे को काफी टाइम से जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है इसकी क्लास में, उसने मुझे बताया हुआ है इसके बारे में। ये बहुत हरामी टाइप का बंदा है, ऐसे ही फ्लर्ट करता है सबसे। अरे हाँ मैं भी जानता हूँ इस बंदे को, ये बंदा सही नहीं है। एक काम करते हैं, आज शाम मिलते हैं, मुझे इस बारे में बात करनी है। अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? आज शाम 6 बजे इज़हार की कपल पॉइंट। ओके डन, आ जाऊंगी। सॉरी सॉरी यार, थोड़ी अर्जेंट बात थी तो टाइम लग गया। कोई बात नहीं। अच्छा लक्ष्य सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। नहीं तू बता पहले। अरे तू बोल ना, मेरी तो ऐसी ही बात है, तू बता ना। अच्छा सुन, वो जो मोहित है ना, उसने मुझे आज प्रपोज किया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। तो तूने क्या बोला? अरे मैं क्या बोलती यार, यहाँ स्कूल में तो मैंने उसे बोला बाद में बात करते हैं इस बारे में, तो उसने मुझे आज मिलने बुला लिया, शाम को 6 बजे जार की कपल पॉइंट में। तूने क्या कहा उसे? मैंने बोल दिया उससे मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो तू बता, तू क्या बोलने वाला था? अरे यार मैं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था कि आज तू चले जाना टैक्सी से, मुझे कुछ काम है रास्ते में तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ले इसमें क्या बात है, चल कोई बात नहीं, तू काम कर ले अपना, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। टैक्सी टैक्सी भैया, चलो गाइस बाय, आ गई टैक्सी, मैं चलती हूँ। हाँ चल बाय। भाई तुझे समझाया था, बोल दे, अगर तू बोल देता तो मोहित का कोई सीन ही नहीं होता बीच में। यार सब खराब हो गया, सही बोला था तुमने यार, वो बेचारी कब तक वेट करती मेरा। अब ये सब छोड़ो, करना क्या है आगे वो बताओ, वो आज जाने वाली है उस कमीने से मिलने। हाँ यार उसको ऐसे तो उस कमीने से अकेले मिलने नहीं दे सकते, उसने उसे जान मूझ कर सुनसान जगह बुलाया है, क्योंकि वहाँ शाम को 6 बजे के बाद पार्क में कोई भी नहीं होता। तो भाई अब क्या करेंगे? सुन यार हमें ना इसके पीछे जाना होगा। कैसे जाएंगे? आकाश भाई तू एक काम कर सकता है? हाँ बोलना। तू कार ला सकता है शाम को 6 बजे करीब? हाँ ले आऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ मैं भी आऊंगी साथ। मैं भी आ जाऊंगा आकाश तेरे घर 6 बजे तक, फिर साथ ही चलते हैं। थैंक्स यार, चलता हूँ मैं। चल बाय मानव, ध्यान रखना अपना, सब कर देंगे हम ठीक। आकाश 6 बजने वाले हैं, सब सीन बन गया ना? हाँ हाँ ये सारे आ गए मेरे घर, तू बता कि कब आना है तेरे यहाँ। मैं नीचे ही जा रहा हूँ, जो भी सीन होता ना मैं तुझे कॉल करता हूँ, तू बस तैयार रहना। हाँ हाँ बस तू कॉल कर देना, हम रेडी बैठे हैं। कहाँ जा रहा है तू? अरे वो पापा दोस्त लोग आ रहे हैं ना, वो घूमने जा रहे थे तो बोले कि तू भी साथ चल, तो मैंने भी हाँ कर दी उनको। ज्यादा आवारा हो रहा है तू, कुछ 9 बजे से पहले आ जाइयो। अरे हाँ हाँ आ जाऊंगा।
अरे कहाँ हो, मैं तो बाहर ही हूँ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे अरे आ गया बस। अरे भाई वो बाहर आ गई है, शायद वो आने वाला है। अरे हाँ मैं तेरे घर की सड़क पे ही हूँ पीछे, मुझे पता चल जाएगा मोहित की गाड़ी आई तो। तू चिंता मत कर, उसके आते ही हम आ जाएंगे। सॉरी सॉरी लेट हो गया थोड़ा, ट्रैफिक बहुत था रोजोक चौक पे। कोई बात नहीं। चल चल लगा उनके पीछे जल्दी, साला कितना बड़ा हरामी है, पहले ही दिन उसे कहाँ ले जा रहा है सुनसान इलाके में। हाँ यार लक्ष्य भी पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। बस बस रोक। अजय लक्ष्य उधर चलते हैं सामने। हाँ बोलो आप। यार देख मैं तो यही बोल रहा था स्कूल में कि मुझे लगता है मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू बता दे तेरे मन में क्या है। सच सच बताऊँ एक बात? हाँ बोलना। मैं तो तुम्हें जिस दिन मिली थी उसी दिन से तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। अरे क्या बात कर रही है, सच में? सच में मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई लव यू। आई लव यू टू। देख देख कैसे पटा रहा है उसे सब झूठ बोल के। हाँ यार लक्ष्य तो किसी की भी बातों में आ जाती है, बहुत भोली है वो। अब तो तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, अब यहाँ तक आए और एक किस भी ना करें ऐसे कैसे चलेगा। नहीं नहीं यार अभी तो पहले हम ऐसे मिल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे कितना सोच रही है तू, अब तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, अब तो ये कर सकते हैं हम। नहीं नहीं प्लीज सॉरी अभी मुझे ये सब नहीं करना है। अरे आना तो पास, यार देख कोई भी नहीं है यहाँ। साला जबरदस्ती कर रहा है उससे, मुझे पता था। क्यों बे साले, जब लड़की मना कर रही है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। अरे मानव तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ पर, इसकी हिम्मत कैसी तुझसे ऐसे बात करने की। अरे तू जाना, ये हमारा आपस का बात है, हम देख लेंगे। पर ये साला तुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है अभी। ओए ये साला किसको बोल रहा है, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। अरे मानव तो जाना यार। सॉरी सॉरी मोहित, उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। नहीं तेरा दोस्त है ना वो, तू ही लाई है ना उससे जानबूझ के यहाँ। नहीं यार मुझे तो पता नहीं था इस बारे में कुछ, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। नहीं मेरे को अब कोई बात नहीं करनी। अरे यार प्लीज सुन तो। अब जब तक वो मेरे से माफी नहीं मांगता मैं तेरे से बात नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है तो रुक एक सेकेंड। मानव तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बस मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगा, मुझे तेरी चिंता इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा तुझे मेरी चिंता है ना, क्या कर सकता है मेरे लिए? कुछ भी कुछ भी। अच्छा तो चल मांग उससे माफी। हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं। माफी मांग। सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दियो यार। ऐसी कैसी गलती हो गई, पैरों में गिर के माफी मांग नाक रगड़ के। ओके ठीक है सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अरे माना तूने माफी क्यों मांगी? लोग कहते हैं कि जख्म दिखते क्यों नहीं, मैं कहता हूं कि जो जख्म दिखते नहीं वो दुखते बहुत है। हमसे पूछो ना ये जख्म कैसे हूं? खुश रहे।